नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जाने पहचाने सत्ता के नशे में खोए हुए दबंग नेता, जो कि अपनी दबंगई के बल पर काफी प्रचलित रहते हैं, जमीन कब्जा करना एवं पत्रकारों पर मुकदमा करना, साथ ही गरीब आदमी पर दबाव बनाना इनके लिए खेल सा हो गया है। मानो जैसे कानपुर देहात को इन्होंने मुट्ठी में कर लिया हो। सत्ता के नशे में इस कदर चूर हैं कि ना तो इन्हें प्रशासन का डर है ना ही किसी और का। संवाद सूत्र की माने तो हर दिन उनके ऊपर पीड़ितों द्वारा संगीन आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक बार फिर नया मामला प्रकाश में आया है, जहां पर 826 वोट प्राप्त बीडीसी प्रत्याशी अर्जुन सिंह की जगह 51 वोट प्राप्त हारी हुई प्रत्याशी सीमा देवी को विधायक ने सत्ता के रसूख के चलते बीडीसी प्रत्याशी घोषित कर दिया है, साथ ही प्रमाण पत्र भी दे दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दबंग विधायक विनोद कटियार की दबंगई के आगे चुनाव आयोग के साथ साथ अधिकारी नतमस्तक हो गए हैं। 826 वोट बीडीसी में मिलने के बावजूद भी विधायक ने दबाव बनाया था, साथ ही बात न मानने के चलते सत्ता के रसूख में हारे हुए प्रत्याशी सीमा देवी को जो कि 51 वोट मिले उसको अधिकारी के साठगांठ के साथ जिता दिया गया। आपको बताते चले कि भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत महेरा निवासी बीडीसी प्रत्याशी अर्जुन सिंह द्वारा बताया गया कि सीमा देवी के पति दबंग विधायक के साथ रहते हैं, जिसके चलते विधायक ने मुझे फोन करके दबाव बनाया था, तुम बैठ जाओ, मुझे अपने प्रत्याशी को जिताना है, और जब बात नहीं मानी तो मुझे जीतने के बावजूद भी हरा दिया, जबकि मुझे 826 वोट मिले और वहीं सीमा देवी को सिर्फ 51 वोट मिले, उसे जिताते हुए प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। जनता के साथ लगातार अन्याय होता जा रहा है, सत्ताधारी विधायक पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही। खबरें दिन पर दिन प्रकाशित हो रही हैं, शासन प्रशासन एवं सरकार तक पहुंचने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं क्या पूरा मामला है? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और हम महरा जल्लापुर क्षेत्र पंचायत से बीडीसी के प्रत्याशी थे, और पर्चा जब भर दिया तो हमारे ऊपर दबाव आया, विधायक जी का भी फोन आया कि आप पर्चा निकाल लो। कौन विधायक कह रहा है उनका? भोगनीपुर विधानसभा के विधायक हैं वो, विनोद कटियार जी, और उनके साथ एक बाबू सिंह गौरी के रहते हैं जो सीमा जी के पति हैं, वो उनके साथ रहते हैं और वो भी यहीं से लड़े थे महरा और जल्लापुर से। बीडीसी? हाँ, बीडीसी यहीं से वो भी लड़े थे। उन्हीं के पक्ष में ही उनका फोन आया था कि आप पर्चा निकाल लो, हमारे बहुत खास आदमी हैं। हमने मना कर दिया था कि हम पर्चा नहीं निकालेंगे, अगर हम जीत रहे हैं तो आपकी बात मानेंगे हम। इतना कहने के बावजूद भी जब वोटिंग हुई, वोट पड़े और चुनाव सारा हुआ, जब वोटिंग खुली तो महरा 1-6 वार्ड में हमको 376 वोट मिले और सीमा देवी को मात्र 30 वोट मिले थे। फिर 7-11 वार्ड में महरा से हमको 309 वोट मिले और जिनको प्रमाण पत्र दिया गया है उनको मात्र 7 वोट मिले थे। जल्लापुर 1-3 वार्ड में हमको 141 से 141 वोट मिले। आपको टोटल कितने वोट मिले? टोटल हमको वोट मिले हैं 826 वोट। और जो प्रत्याशी, जो बीडीसी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, उनका नाम क्या है? हमको 826 वोट मिले हैं और जो जिनको प्रमाण घोषित किया गया है विजयी, उनको मात्र 51 वोट मिले हैं सीमा जी को। उनके पति बाबू सिंह है जो मतलब वहाँ विधायक के साथ रहते हैं, और उनको मात्र 51 वोट मिले हैं, हमको 826 वोट मिले हैं। उनको जो है जिताने की कोशिश की गई है, उनको प्रमाण पत्र दिया गया है, और जबकि हमको मिलना चाहिए, हम उसके हकदार थे क्योंकि हम जीते हैं और भारी मतों से जीते हैं, और इसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ। हम तो यही चाहते हैं कम से कम अगर हम जीते तो हमको प्रमाण पत्र दिया जाए। अब आप हमारे चैनल माध्यम से क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से? अधिकारियों से यही कहना चाहेंगे, निर्वाचन क्षेत्र जो अधिकारी उनसे यही कहना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार का हो रहा तो चुनाव क्यों करवाने थे या क्यों करवाए, नहीं करवाने थे चुनाव, इस प्रकार से तो बहुत गलत हो रहा है। तो आपको क्या लगता है इसमें सत्ता पक्ष जो विधायक है भोगनीपुर विनोद कटियार जी, तो क्या इसमें कम जो 51 वोटों से सीमा जी को जो निर्वाचित घोषित कर दिया गया है और आपको सबसे बहुमत अच्छा मिला हुआ है और उनको पर्चा प्रमाण पत्र दे दिया गया, क्या लगता है इसमें विधायक जी का कोई हाथ है? ये तो लोकतंत्र का गला घोटना है और ये अधिकारियों की इसमें साजिश है। जो अधिकारी वहाँ पे थे, ये वो येलो, तो येलो जो बनाए जाते हैं, जो रिपोर्ट देते हैं आके कि जो जहाँ से प्रत्याशी जीता है उसको मत मिले, वो यहाँ देते हैं आके जहाँ पे वो प्रमाण पत्र मिलते हैं वहाँ पे उन्होंने दिया था। वहाँ पे जब दिया था हमने उसकी फोटो भी खींची थी, महरा की भी खींची थी और जल्लापुर की खींची थी, कहाँ कितने हमको वोट मिले, हमने तत्काल वहाँ देख के तुरंत फोटो खींची थी। वो हमारे पास प्रारूप है,
हमारे पास आईडी है, हमारे पास सब है कि हमें इतने वोट यहाँ से मिले थे, वहाँ से मिले थे। इसके बावजूद भी और वो जो प्रमाण पत्र दे रही थी वो मधुलता जी अधिकारी सेक्रेटरी अधिकारी हैं, और उनसे हमने बार बार कहा लेकिन उन्होंने सुनी नहीं, मेरी बात जरा भी नहीं सुनी, ना बताया हमसे कि कौन जीता कौन हारा। तो क्या इस कारनामे में क्या अधिकारियों मिली भगत है क्या? और क्या, बिल्कुल अधिकारियों को बीएलओ के मिली भगत है, जो जहाँ से प्रमाण देने आता है कि फलाने को इतने वोट मिले, जिसकी जिम्मेदारी ए आर ओ किसमें जिम्मेदारी होती है, कहाँ के कितने किसको वोट मिले वो देने आता है वहाँ जहाँ प्रमाण पत्र मिलते हैं। तो उसने भी वहाँ गलती की, जब उसके ऊपर दबाव पड़ा तो उसने भी काटा फाका है और गलत रिपोर्ट दी है आके, और जल्लापुर की रिपोर्ट की हिसाब से ही उनको विजय घोषित किया गया, जबकि जोन हिसाब से उनको विजय घोषित किया गया है। जल्लापुर के वोटिंग अगर देखी जाए उसमें लिखा है तो उसमें इतनी ज़्यादा वोटिंग कर दी है जल्दी क्या कर बोला एलो ए आर ओ ने, इतने उसमें गलतियाँ उसने जल्दी मारे दबाव वजह से कर देगा। उसकी वोटिंग देखी जाए तो उसमें वोटिंग बहुत ज्यादा हो रही, जबकि 259 मात्र ही मत पड़े थे 1-3 बार जल्लापुर में, और उसका अगर टोटल जोड़ा जाए तो बहुत ज्यादा निकल रहा है। सबसे बड़ी तो ये गलती है, बहुत बड़ा घोटाला ये है। आप चाहते हैं इसकी जांच हो निष्पक्ष तरीके से? कहते हैं कि इसकी जांच हो और जो जायज है उसका फैसला हमें मिले।